एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइज आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं डमाको का पैकेज अनबॉक्स कर रही हूँ, जो कि मैंने खुद परचेज किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले से मैं अनबॉक्स कर रही हूँ और यहाँ पर आप मेरा बिल देख सकते हैं। मैंने इनका जो न्यूली लॉन्च्ड मिल्की फेस पीलिंग सोल्यूशन है उसे ऑर्डर करा है। सो गाइज, इसे डमाको ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है और मेरा जो पुराना इनका जो AHA BHA पीलिंग सॉल्यूशन था वो फिनिश हो गया था, तो मैंने इसे देखा तो मैंने सोचा कि मैं इसे ऑर्डर करती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है। आप देख सकते हैं 15% मिल्की पीलिंग फेस सॉल्यूशन है। सो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके की एक फ्रॉस्टेड बॉटल मिल जाएगी और इस तरीके का आपको इसके साथ एक कैप भी मिलता है, उसके साथ साथ आपको एक ड्रॉपर भी मिलता है और इसके अंदर आपको 15% लैक्टिक एसिड, 5% PHA और 1% ओट बीटा ग्लूकेंस मिलते हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो गाइज, इसका प्राइस है 499 फॉर 30 ml ऑफ प्रोडक्ट और मुझे वहाँ पर 20% ऑफ मिल गया था, तो मुझे ये 400 rupees की पड़ गई थी। उसके साथ साथ गाइज, आप यहां पर देख सकते हैं कि मेंशन है हाउ टू यूज़, सो इसे आपको नाइट टाइम में ही यूज़ करना है और 10 मिनट सप्लाई करने के बाद आपको सिंपल वाटर के साथ इसे रिंस ऑफ कर देना है। गाइज, मैंने इसे इसलिए परचेज़ किया है क्योंकि इसके अंदर 15% लैक्टिक एसिड है जो आपकी पिगमेंटेशन वगैरह को ठीक करता है। ऑल्सो इसके अंदर 5% PHA है जो बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएटर है और 1% इसके अंदर ओट एक्सट्रैक्ट हैं जो आपकी स्किन को काम और स्मूथ करते हैं, तो इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया था क्योंकि मुझे इसकी जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ऑल्सो गाइज, अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी और फॉर्मूला की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी है और वाइट कलर का ये जो है सॉल्यूशन है वाइट कलर का है और यहाँ पर मैं आपको अपने हैंड पर भी इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ये पैच टेस्ट भी करना था और ये एक फर्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ वीडियो है। सो मैं इसे अपने हाथ पर अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स का इस मैंने अपने हाथ को वॉश करके पैड ड्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हाथ काफ़ी ज़्यादा जो मेरा हैंड है ब्राइट लग रहा है, ऑल्सो स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी लग रही है। बट गाइज, इसे मैं अपने फेस पर यूज़ करने के बाद एक डिटेल रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी, सो इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।